नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो दोस्तों, इस वक्त की जो है बहुत ही बड़ी खबर आ रही है, वो दोस्तों आ रही है आईपीएल 2020 से, जहां पर दोस्तों ये जो सारी खबर है हो चुकी है पूरी उथल पुथल। सबसे पहले खबर आई थी कि जो इंग्लैंड वर्ल्ड कप टीम के विनिंग कोच है ट्रेवर बेलिस, वो दोस्तों कोलकाता की टीम के साथ में जुड़ चुके हैं एज अ हेड कोच। लेकिन दोस्तों अभी जो है ऐसी खबर आ रही है कि जो ट्रेवर बेलिस है वो दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद टीम के नए हेड कोच घोषित कर दिए गए हैं। तो भाई इसके पीछे की क्या वजह है, क्या है पूरा माजरा, इस वीडियो में आप सभी को कंप्लीट डिटेल दे दूंगा। तो आप जो है अभी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्रिकेट के फैन हो सब्सक्राइब भी पक्का तौर पे कर लीजिए। अब दोस्तों बात करते हैं माजरे की। तो भाई बहुत लोग बोले कि जो है स्टार्टिंग में खबर आ रही थी कि जो ब्रेंडन मैकलम और ट्रेवर बेलिस है दोनों साथ में जुड़ चुके हैं केकेआर के। लेकिन दोस्तों अभी जो है ट्रेवर बेलिस केकेआर के टीम का हिस्सा नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये जो पूरी खबर है हो चुकी है मिक्स। अब आपको बताता हूँ कि इसके पीछे की वजह क्या है, कि ये पूरा राज क्या है। दोस्तों जो इंग्लैंड की टीम जब वर्ल्ड कप जीती थी उसके कोच थे ट्रेवर बेलिस, ठीक है, तो उनको जो है कोलकाता, राजस्थान और हैदराबाद, मतलब कि ये तीन टीम ने ऑफर किया था अपने कोच बनने को लेके। तो जिसमें से जो है ट्रेवर बेलिस ने सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को चुना है कोचिंग के लिए। दोस्तों अब बात करते हैं भाई जो हैदराबाद के कोच थे वो थे टॉम मूडी, जो कि काफी लंबे समय से साथ में जुड़े थे और काफी अच्छा काम कर रहे थे हैदराबाद के लिए। लेकिन दोस्तों अभी जो है हमारी टीम इंडिया के लिए हेड कोच चुना जाना बाकी है। और दोस्तों जो टॉम मूडी है उन्होंने शायद से टीम इंडिया के लिए हेड कोच के लिए अप्लाई किया है। और दोस्तों नियम ये है, अगर कोई भी कोच वो दो को कोचिंग नहीं कर सकता, वो जो है चाहे सिर्फ अपने इंडिया के साथ में जुड़े या तो फिर जो आईपीएल है उसके साथ में जुड़े। तो दोस्तों ऐसे में जो है बहुत ही ब्राइट चांसेस है कि टॉम मूडी जो है हम सभी को टीम इंडिया की कोचिंग करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो दोस्तों ये जो है एकदम कंफर्म हो चुका है कि जो ट्रेवर बेलिस है वो दोस्तों 2020 के आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद के टीम के हेड कोच की भूमिका में दिखाई देंगे, जहां पे जो है टॉम मूडी हैदराबाद की टीम को छोड़ चुके हैं। दोस्तों आगे जो है ऐसे इंटरेस्टिंग खबर पाने के लिए अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी पक्का तौर पे करके रख लीजिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्रिकेट खेलते रहिए।